सिस्टम। गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद बीसीसीआई का हिला दिया पूरा सिस्टम और हार्दिक पांड्या को कैप्टनशिप से निकालकर टीम इंडिया में हुई एक अफरा तफरी का माहौल और उसकी जगह सूर्य कुमार को बना दिया कैप्टन। और गौतम गंभीर ने बड़े बड़े सुरमाओं को निकाल दिया टीम से जो जिम्बाब्वे के साथ काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे थे, वो सारे को निकाला टीम से बाहर और कोलकाता के खिलाड़ी को मिला चांस। 27 तारीख को होने वाले इंडिया बनाम श्रीलंका को श्रीलंका से 6 सीरीजों का मुकाबला जिसमें 3 T20 मैच खेला जाएगा और 3 ODI जिसमें इंडिया का प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया गया है। इसमें T20 के लिए हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी से निकालकर सूर्य कुमार को जगह मिलेगा T20 में। ODI का शेड्यूल क्या रहता है अभी तक नहीं मालूम चल सका, तो चलिए हम आपको बताते हैं इंडिया का T20 का स्क्वाड क्या है जिसमें कैप्टन रहेंगे सूर्य कुमार यादव और वाइस कैप्टन शुभमन गिल। अब प्लेयर में रह जाएंगे और ओपनिंग करने आएंगे यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रेहान पराग, ऋषभ पंत जो विकेट कीपर के तौर पर रहेंगे और संजू सैमसन जो वो भी विकेट कीपर के तौर पर रहेंगे। और फिर टीम में 3 ऑलराउंडर को जगह दिया जाएगा जिसमें रहेंगे फर्स्ट हार्दिक पांड्या, दूसरे नंबर पर रहेंगे शिवम दुबे और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस से गुजरे अक्षर पटेल जो T20 वर्ल्ड कप में बैटिंग और बॉलिंग से काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाया। उसके बाद चौथे नंबर पर रहेंगे सुंदर जो जिम्बाब्वे के खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था उसका। उसके बाद इंडिया के 4 बॉलर रहेंगे जिसमें एक स्पिनर रवि बिश्नोई, दूसरे फास्टर अर्शदीप सिंह, उसके बाद खलील अहमद, मोहम्मद सिराज को जगह मिल सके इस टीम में। तो इस टीम से आप लोग सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसा ही क्रिकेट की जानकारी के लिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक धमाका के साथ।